डिजिटल हाजिरी के विरोध, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर गरजा शिक्षक संघ। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय आवाहन पर आज जनपद अमरोहा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर संयुक्त रूप से पूर्व मा शिक्षक संघ, आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन, उर्दू विशिष्ट BTC शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति पत्रिका के डिजिटाइजेशन किए जाने असहमति के संबंध में ज्ञापन प्रभारी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्र प्रकाश को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष यशपाल सिंह ने कहा है कि प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जनपद के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं शिक्षा मित्र अनुदेशक पर जोर विरोध डिजिटल हाजिरी को लेकर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा डिजिटल हाजिरी का आदेश पूर्ण रूप से व्यावहारिक है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि शिक्षकों की मांगों पर विचार करते हुए डिजिटल उपस्थिति को वापस लेना चाहिए। पूर्व मा शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष नखराज ने कहा है कि विद्यालयों में नेटवर्क एवं दुरुस्त सड़कें न होने के कारण डिजिटल उपस्थिति देना संभव नहीं है, जिस कारण डिजिटल उपस्थिति को वापस लेना चाहिए। जिला मंत्री मुकेश चौधरी ने कहा है कि जब तक शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है, तब तक शिक्षक डिजिटल हाजिरी का विरोध करते रहेंगे। सरकार को चाहिए कि शिक्षकों की समस्याओं का अति शीघ्र निराकरण करना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय को और निदेशक, हम डिजिटल उपस्थिति का बहिष्कार कर रहे हैं और डिजिटल उपस्थिति से पहले हमारी 31 EL, 15 AFCL और चिकित्सीय व्यवस्था हमें सब जो चाहिए और राज्य कर्मचारियों की तरह हमें सारे जो चाहिए, राज्य कर्मचारियों की तरह हमारी मांग मान लीजिए और हम डिजिटल उपस्थिति को स्वीकार कर लेंगे। जो हमें प्रदेश से निर्देश मिलेगा, हम जो भी कार्य बहिष्कार अभी तो हमारा सांकेतिक चल रहा है, तो जैसा निर्देश हमें मिलेगा उस तरीके से हम आगे करेंगे। फिलहाल 23 तारीख में हमारा धरना है जिला बहिष्कार अधिकारी। आज जनपद के सभी अध्यापकों ने यहाँ प्रतिभाग किया और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और 23 तारीख के धरने का ज्ञापन दिया गया है BSA कार्यालय पर। और सभी अध्यापक ये महसूस करते हैं कि डिजिटल हाजिरी किसी दिन में हमारा वेतन कटवा सकती है। सड़क की जाम हो सकता है, गन्ने का सीजन है, गांवों में सड़कें हैं, दुर्गम रास्ते हैं, बाढ़ की स्थिति है, नदी नालों को पार करके नाव के सहारे से, ट्रैक्टर ट्रॉली के सहारे से जाते हैं, तो इसलिए हमें HAFCL की व्यवस्था कराई जाए। अगर देरी होती है तो हमारी HAFCL काट ली जाए, बिना स्पष्टीकरण के हम पर कार्रवाई ना हो। हमारे द्वितीय शनिवार हैं, उपार्जित अवकाश हैं या हमारी और जो अन्य मांगे हैं, और नेटवर्क की समस्या में सुधार हो और पहिया घूमता रहता है, हाजिरी नहीं लगती, तो जब तक नहीं आ रहे ना तो हम मिड डे मील की टैबलेट से भरेंगे और ना ही हम अपनी हाजिरी देंगे और ना ही हम बच्चों की हाजिरी देंगे। मिड डे मील की केवल कॉल पर हाजिरी दी जाएगी। हमारी यह है डिजिटल हाजिरी, जब तक हम शिक्षक डिजिटल हाजिरी का विरोध नहीं कर रहे, अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के सामने है, विभाग के सामने है, पहले हमारी पदोन्नति रुकी पड़ी है। हमारे जो अव्यवहारिक आदेश आ जाते हैं, रोज अव्यवहारिक आदेश होकर प्रयोगशाला बना रखी है हमारे विभाग को, तो टीचर को टीचर का काम करने दे, सिलेंडर ढोने से लेकर सब्जी लाने तक और राशन का काम, सारा दूध का काम सब टीचर से काम लिया जाता है, जनगणना, बाल गणना, ये सब गणनाएं हमारी जिम्मे है। करेगा किस टाइम? चिनाई का संडे के दिन कराएगा? चिनाई का संडे के दिन कराएगा कि 8 दिन में एक कमरे की पुताई होगी, दूसरे कमरे की अगले हफ्ते कराएगा छुट्टी में? ये अव्यवहारिक आदेश है जो इन्हें वापस लेने चाहिए और संगठन के साथ वार्ता करनी चाहिए। जो हमारी समस्या है उन्हें